Hello everyone, so you are here on Biology Bubble and today we are going to discuss about the remaining part of biological classification. तो इसमें हमें इन्होंने बता रखा है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के बारे में, लेकिन बहुत स्मॉल ब्रीफ है क्योंकि आगे इनमें पूरा पूरा चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया का, जिसमें हम इन्हें ब्रीफली पढ़ेंगे. तो किंगडम प्लांटी के बारे में इन्होंने हमें बता रखा है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है और क्लोरोफिल होना भी चाहिए क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्लोरोफिल से ही अपना फूड प्रिपेयर करेंगे. अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक सच एज द इंसेक्टिवरस प्लांट्स और पैरासाइट. कुछ मेंबर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक हैं. पार्शियली हेटरोट्रॉफिक से क्या मतलब है? प्लांट बॉडी ग्रीन है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ और यूज़ कर रहे हैं. जैसे इसमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब वो प्लांट जो इंसेक्ट को इनगल्फ करके उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, और पैरासाइट वो जो किसी एक होस्ट पर रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं और होस्ट को हार्म करते हैं. इसमें एग्जांपल दिया हुआ है ब्लेडर वोट और वीनस फ्लाई ट्रैप का एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और कस्क्यूटा का एज पैरासिटिक प्लांट. प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन यहाँ बता रहे हैं कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स में किया गया है. इसके बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी में पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. प्लांट की जो लाइफ साइकिल है दो फेज में डिवाइड है. एक फेज तो इनकी बॉडी डिप्लॉयड होती है स्पोरोफिटिक और दूसरी हैप्लॉयड होती है गैमेटोफिटिक. डिप्लॉइड से हम क्या समझते हैं? टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और हैप्लॉइड से एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब उसके आधे, डिप्लॉइड के आधे हैप्लॉइड. इस फिनोमिना को, ये जो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेजेस हैं ये अल्टरनेट होती हैं एक दूसरे के, पहले डिप्लॉइड फिर हैप्लॉइड, एक दूसरे के बाद अल्टरनेट मैनर में आती हैं. इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं. किंगडम एनिमेलिया के बारे में क्या दिया हुआ है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लैक सेल वॉल, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. और सबसे बड़ा फीचर जो किंगडम एनिमेलिया का होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांटी में मेल और फीमेल के कपुलेशन से होता है, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है. अब जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस का. In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some acellular organism like viruses, viroids and lichens. Whittaker ने, R.H. Whittaker ने जो five kingdom classification system दिया था उसमें ये तीनों चीज़ें mention नहीं थी, ये तीनों organism mention नहीं थे. Common cold और flu का example दिया हुआ है इन्होंने viral diseases के लिए जो कि influenza virus से होती हैं. और कॉमन कोल्ड जिसमें हमारी नाक बहती है वो राइनो वायरस से होता है. इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, राइनो मींस नोज होता है, ये राइनो वायरस से होता है कॉमन कोल्ड. वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. वायरसेस को कोई जगह नहीं मिली क्लासिफिकेशन में क्योंकि वो ट्रूली लिविंग नहीं है. अब ट्रूली लिविंग कैसे नहीं है? द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. वायरसेस जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल ही प्रेजेंट नहीं है. और हमने पढ़ा था हम किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं बोल सकते जो एक सेल से कम हो, एक सेल से कुछ भी कम लिविंग नहीं है. दैट आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वायरस जो कि लिविंग सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, और जैसे ही लिविंग सेल में एंटर करता है, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देम सेल, किलिंग द होस्ट.
मतलब जब तक ये किसी भी होस्ट सेल के बाहर प्रेजेंट रहेगा ये डेड रहेगा, इसके अंदर कुछ भी प्रोसेसेस प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसे कि रिप्रोडक्शन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा वो होस्ट सेल की मशीनरी यूज़ करके रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा और होस्ट सेल को किल करना शुरू कर देगा। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजन, पॉइजनस फ्लूड वॉज गिवन बाय पैस्चर। वायरस जो टर्म है, जो नाम है इन ऑर्गेनिज्म का, वो पास्चर ने दिया था, जिसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूड। वेनम मीन्स जहर, पॉइजन भी यही होता है, पॉइजनस फ्लूड। डीजे इवानोस्की इन 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिसीज ऑफ टोबैको। डीजे इवानोस्की ने कुछ माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किया जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे मोजाइक डिसीज पर, जो कि टोबैको के प्लांट में होती है। मोजाइक मतलब होता है पैचेस, टोबैको के प्लांट में लीव्स पे पैचेस हो जाते हैं, तो वो उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। दीज तो उन्होंने कुछ माइक्रोब्स देखे, दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और ये माइक्रोब्स जो इन्होंने देखे वो बैक्टीरिया से भी छोटे थे। अब इन्हें पता कैसे चला कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं? दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जा रहे थे। MW तो इन्होंने, डीजे इवानोस्की ने जो माइक्रोब्स देखे थे वो थे टोबैको मोजाइक वायरस। MW बेजर ने 1898 डेमोन्स्ट्रेट दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूड एज कॉन्टेजियम वायवम फ्लूडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। अब इन्होंने क्या किया, MW बेजरनिक ने, इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट निकला था इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट में से, इन्होंने देखा कि उसका जो फ्लूड है, उस वायरस का जो फ्लूड है, वो किसी भी प्लांट में या एनिमल में डिसीज़ कॉज कर सकता है। तो इन्होंने बोला कंटेजियम वायवम फ्लूडम और नाम दिया उस फ्लूड को इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। WM स्टेनले 1935 शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। WM स्टेनले ने बताया कि वायरस क्रिस्टलाइज्ड किए जा सकते हैं और ये जो क्रिस्टल हैं इनके, वो प्रोटीन से मिलकर के बने हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है कि जब तक ये पैरासाइट हैं तभी तक जीवित रहेंगे, और जैसे ही होस्ट सेल से बाहर आए तो इनकी कोई भी मशीनरी काम नहीं करेगी, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो ये डेड हो जाते हैं होस्ट सेल से बाहर आने के बाद। तो अगर इन्हें जीवित रहना है तो इन्हें होस्ट चाहिए, तो इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन के साथ साथ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, दैट कुड बी आइदर RNA और DNA, जो कि RNA या DNA कुछ भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA DNA, कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों RNA और DNA साथ में प्रेजेंट हों। अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होता है कैसे? न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड, जो RNA और DNA है। प्रोटीन, एक प्रोटीन कोड बना हुआ होता है जो कि इन न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ होता है, तो इसलिए न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं इन्हें। एंड द जेनेटिक मटीरियल इज़ इन्फेक्शियस, और जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है, वही वजह है जो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल में। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जनरली वो वायरस जो किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है या डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या DNA होता क्या है, ये कैसे पता चलता है कि डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो देखते हैं एक बार। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब इस टाइप से एक स्ट्रैंड प्रेजेंट है,
और डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना है. दिस इज डबल स्ट्रैंडेड. बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? वो वायरस जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं. वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस और बैक्टीरियल वायरस. यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है इनमें. जनरली द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, इनका प्रोटीन कोड कैप्सिड कहलाता है, मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स. स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना है जिन्हें कैप्सोमियर बोलते हैं. प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, और इसका काम क्या होता है प्रोटीन कोड का या कैप्सिड का, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है. दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहीड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म. ये जो कैप्सोमियर्स हैं ये हेलिकल या पॉलीहीड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. एक बार वायरसेस का स्ट्रक्चर और देख लेते हैं. ये इन्होंने ऊपर एक स्ट्रक्चर दे रखा है. ये दे रखा है फर्स्ट वन जो है टोबैको मोजाइक वायरस का स्ट्रक्चर है. ये कैप्सिड दिखा रखा है इसमें. दिस वन इज कैप्सिड. ये कैप्सोमियर यूनिट से मिलकर बना है. एंड दिस इज आरएनए. दूसरा जो स्ट्रक्चर इसके बराबर में है वो है बैक्टीरियोफेज का. जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, और ये उसका स्ट्रक्चर है. इसमें इन्होंने दिखा रखा है हेड. ये इसका हेड है, हेड पार्ट है. ये कॉलर है, ये शीथ है, टेल फाइबर्स हैं. ये इसका स्ट्रक्चर है. और ये जो देख रहे हैं हम, ये प्रोटीन कोट है. इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. अब थोड़ी सी डिसीज़ देखेंगे हम. वायरस से कौन कौन सी डिसीज़ कॉज होती हैं ये इसमें दे रखा है नीचे. वायरसेस कॉज डिसीज़ लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा. ये कॉमन डिसीज़ के नाम हैं जो वायरस से होती हैं. एड्स इन ह्यूमंस इज आल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस. एड्स जो होती है एक्वायर इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम, जो ह्यूमन में होता है ये भी वायरस से होता है. और जिस वायरस से होता है उसका नाम है एचआईवी वायरस, मींस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस. सॉरी. इन प्लांट्स द सिम्टम कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग. प्लांट्स में इसके सिम्टम हो सकते हैं मोजाइक फॉर्मेशन यानी पैचेस पड़ जाना लीफ पर, लीफ रोलिंग या लीफ कर्लिंग हो जाना, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, पीले पड़ जाती हैं लीव्स, वेन क्लियर हो जाते हैं, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. उसका प्लांट का जो साइज़ है वो बढ़ता ही नहीं, वो छोटा रह जाता है प्लांट का साइज़. वेन क्लियरिंग का मतलब वेन्स क्या होती हैं प्लांट में वो देखते हैं. वेन कैसे क्लियर होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अवर लीफ ऑफ एनी प्लांट. तो इसकी ये वेन्स हो गई जो प्लांट में प्रेजेंट हैं. अब जब ये इसे इन्फेक्शन होगा तो इसकी वेन क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी और उसकी जगह लीफ वहाँ से खाली हो जाएगी जहाँ जहाँ से इसकी वेन क्लियर हुई. ऐसे ये प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अब है नेक्स्ट टॉपिक वायरॉइड. इन 1971 टी ओ डैनियर डिस्कवर अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज. 1971 में टी ओ डैनियर ने डिस्कवरी की वायरस से भी छोटे किसी ऑर्गेनिज्म की. उसे नाम दिया वायरॉइड. ये कॉज करता था इन्फेक्शन पोटैटो में
जिसे बोलते थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए होता है इसमें और कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता फॉर द प्रोटेक्शन। द आरएनए ऑफ द वायराइड वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। जो इसका आरएनए होता है वो लो मॉलिकुलर वेट का होता है। लाइकेंस जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, लाइकेंस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड द फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोंट। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। एल्गी फूड बनाती है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है इसलिए, और फंजाई से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देती है, मिनरल एब्जॉर्ब करके देती है, वाटर एब्जॉर्ब करके देती है और शेल्टर प्रोवाइड कराती है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। लाइकेंस जो होते हैं बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं, ये किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में पाए नहीं जाते हैं जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा हो। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।